संबल में बैटरी चोरी करने आए चोरों ने अपने ही साथी को गोलियों से भून डाला। जाग होने पर ग्रामीणों के शोर मचाने पर दौड़ रहे चोरों ने फायरिंग करते हुए अपने ही साथी को पकड़े जाने के डर से मौत की नींद सुला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुटी है। मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के गाँव रामपुर मोहक्कमपुर का है, जहाँ देर रात्रि ट्रैक्टर में लगी बैटरी चोरी करने के इरादे से तीन चोर आए, लेकिन जाग होने पर ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान चोरों का एक साथी पीछे रह गया। वहीं दौड़ रहे चोरों में से एक चोर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पीछे छूट गए उनके एक साथी की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से चोरों ने अपने साथी को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पूरी घटना की पड़ताल कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना रजपुरा के गाँव रामपुर महकम से आज सुबह पीआरवी पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सुबह के समय गांव के बाहर खड़े हुए एक ट्रैक्टर में से कुछ लोग बैटरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। गांव में जाग होने पर जब हल्ला मचा तो वो लोग वहाँ से भागने लगे। भागते हुए उन चोरों में से ही किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और उन चोरों में से ही एक व्यक्ति के गोली लगी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। मौके पर उस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। इसमें ग्रामीणों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उचित धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसमें सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। वह जैसी भी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त होगी अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।